तो हेलो ब्रो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। तो ब्रो, आप लोगों ने मिस्टर रेटलर यूट्यूब चैनल को तो देखा ही होगा, कितना ऑसम लगता है उसका लोगो और बैनर। तो ब्रो, अगर आपको भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए मिस्टर रेटलर की तरह प्रोफेशनल कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो बनाना होगा और इसके बाद अपने बैनर को बनाना होगा। तो इस वीडियो पर मैं आपको वही सिखाने वाला हूं कि आप मिस्टर रेटलर की तरह, यानी कि इसको कॉपी नहीं करना है, उससे इंस्पायर होकर बनाना है। तो इस वीडियो पर मैं आपको उसके जैसे इंस्पायर होकर लोगो और बैनर बनाना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना, मैं आपको एक ही वीडियो पर लोगो और बैनर बना के दिखाने वाला हूं, जिससे आपका यूट्यूब चैनल भी प्रोफेशनल तरीके का दिखेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं एडिटिंग को। और हाँ, और एक बात बोलना तो भूल गया था आपको, तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और बेल आइकन कॉल पर भी क्लिक कर देना, ठीक है? एडिटिंग करने के बाद आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो कर देना, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं एडिटिंग को। ओके, तो सबसे पहले हम अपने फोटो को वेक्टर आर्ट में क्रिएट करेंगे। एंड वेक्टर आर्ट में क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और वो है टून ऐप एप्लीकेशन। एंड एप्लीकेशन नाम सुन के आप लोग स्किप मत कर देना इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देख लेंगे तो आपका एडिटिंग उतना नहीं हो पाएगा, मतलब कि उतना प्रोफेशनल तरीके का नहीं दिखेगा। तो आप लोग बिना स्किप के देख लेना, ठीक है? एंड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इंटरनेट डाटा को ऑन करना है, देन इसके बाद अपने ऐप को ओपन कर लेना, ठीक है? एंड एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा फुल फ़ोटो का ऑप्शन, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो फुल फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इसके बाद अपना गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोटो को जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा फ़ोटो तो नहीं है, तो मैं अपने रितेश भाई का फ़ोटो को यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से आप अपने फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं क्रॉप नहीं करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्रिएट कार्टून पर क्लिक कर देना है, तो ये शुरू हो जाएगा कार्टून इफेक्ट में एडिट होना। ओके, तो ब्रो अभी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन तो आप लोग प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लेना इसको। एंड इसको आप मॉड वर्जन ही आपको डाउनलोड करना है गूगल से, और गूगल से डाउनलोड करने का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा कि गूगल से डाउनलोड करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। एंड मुझे पता है ये इलीगल काम है, बट क्या करें, कभी कभी इलीगल काम भी करना पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि मजबूरी में किसी को भी झुकना पड़ सकता है, लाइक बट मैं झुका नहीं हूँ, समझ में तो आपको आ रहा होगा, ठीक है? ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग किसी भी एक कार्टून इफेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। तो मैं फर्स्ट वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसके ओपेसिटी को मैं हल्का सा कम कर लेता हूँ। एंड इसको सेव करने के लिए ऊपर आपको राइट बटन पर क्लिक कर देना है, तो फोटो हमारा फुल HD में सेव हो जाएगा, ठीक है? तो चलो फिर चलते हैं इसके बाद पिक्सआर्ट की ओर, वहाँ पर हम अपना लोगो बनाएंगे। ओके, तो ब्रो पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करके आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है नीचे से। एंड इसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करके एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। एंड इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? एंड ओपेसिटी को आपको कम करना है और ऊपर से राइट क्लिक करना है, ठीक है? तो इसके बाद आपको और एक PNG को ऐड करना है, तो इसके लिए ऐड फोटो पर क्लिक करना है और उस PNG को ऐड कर देना है, ठीक है? एंड इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो इसके बाद इसको यहाँ पर ऐड करके आपको ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करके और एक PNG को ऐड कर देना है, जो कि एक लाइट PNG होगा। एंड इसको लाइट PNG को ऐड करने से पहले इसकी ब्लेंड मोड को यहाँ से चेंज कर लेना है। एंड अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडजस्ट आइकन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको यू आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो कलर को चेंज करने के बाद इसको मैं हल्का सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? एंड फिर इसके बाद यहाँ से भी राइट क्लिक कर देना है। ओके, तो फाइनली बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। इसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करके आपको कार्टून फोटो को ऐड कर देना है, यानी कि विक्टर आर्ट फोटो को ऐड कर देना है जो पहले आपने एडिट किया था कार्टून विक्टर आर्ट में। एंड इसके बाद आपने फोटो को कटआउट करना है, तो इसके लिए आपको कटआउट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने फोटो को कटआउट कर सकते हैं, बट मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट डाटा को ऑन करना है, ठीक है?
एंड अपने मोबाइल के इंटरनेट डाटा को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, एंड अगर आपका इंटरनेट डाटा स्पीड है तो ये जल्दी हो जाएगा, बट अगर आपका मेरे जैसा सोलो है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बट तब तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर भी क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, तो ब्रो फाइनली यहाँ पे हमारा फोटो कटआउट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो हमारा कितना गजब का कटआउट हो चुका है। तो इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है, एंड कैसा लगा आपको ये वाला ट्रिक मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोटो को नीचे से हल्का से इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डन हो गया है। इसके बाद ऊपर से आपको राइट क्लिक कर देना है, एंड राइट क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको अपने फ़ोटो के ऊपर यानी कि लोगो के ऊपर एक इफेक्ट को ऐड करना है। बट इसके लिए मैं सबसे पहले अपने इंटरनेट डाटा को ऑफ कर लेता हूँ, ताकि ये एडिटिंग करते समय पिक्सेट हमारा हैंग ना हो, और पिक्सेट बहुत जल्दी हैंग होता है, तो इसलिए मैं इंटरनेट डाटा को ऑफ किया हूँ। ओके, तो देन इसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट आइकन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपको इफेक्ट्स आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट पर ही HDR ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको डबल टैप कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद इसके ब्लर को आपको हल्का सा कम कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर आप फोटो को देख सकते हैं, फ़ोटो कितना HDR में हो चुका है। एंड इसके बाद ऊपर आपको मर्ज ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको इफेक्ट्स आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे लास्ट बिगनेट इफेक्ट पर जाना है, ठीक है। एंड ये वाला इफेक्ट को आपको अपने फोटो पर यानी अपने लोगो पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको इसकी साइज को आप लोग थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद फोटो के ऊपर मैं हल्का सा लाइटिंग को एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं टूल आइकन पे क्लिक करके एडजस्ट आइकन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मैं हल्का सा कलर और लाइट को मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमारा एडिटिंग हो गया है, एंड इसको आपको सर्कल में क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कटआउट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सर्कल में इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप लोग चाहे तो सर्कल में इसको क्रिएट कर लेना इस तरीके से, और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, इस वीडियो पर मैं आपको लोगो और बैनर दोनों एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो बैनर को हम बहुत ही जल्दी एडिट कर लेंगे, उतना भी मुश्किल नहीं है बैनर को एडिट करना। एंड आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आप भी बहुत ही आसान तरीके से बैनर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ब्रो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सर्कल शेप में एडिट हो चुका है लोगो, एंड लोगो सेव करने के लिए आपको ये वाला आइकन पे क्लिक कर देना है डाउनलोड ऑप्शन पर। तो चलो फिर बैनर को हम एडिटिंग करते हैं, एंड बैनर को हम पिक्सेट में ही बनाएंगे। ओके, तो चलो भाई लोगो जल्दी सेव हो जाओ। ओके, तो ब्रो आप लोग इस बैकग्राउंड को पिक्सेट में एडिट कर लेना है, एंड बैकग्राउंड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो देख लेना, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एड फोटो पर क्लिक करके अपने कार्टून फोटो को एडिट कर देना है, एंड इसके बाद फोटो को कटआउट करना है। तो फोटो को कटआउट करना तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो आप लोग इसी तरीके से इसको कटआउट कर लेना है। तो इसको मैं अपने बैकग्राउंड के बीच में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद ऊपर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, तो प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट आइकन देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको L लिख देना है, ठीक है। एंड इसको टेढ़ा करके यहाँ पर राइट साइड पर इसको ऐड कर देना है, एंड ये जो ब्लैक कलर है बैकग्राउंड के ऊपर इसको यहाँ पर ऐड कर देना है ब्लैक कलर के ऊपर, एंड यहाँ से आपको मूव डाउन कर देना है, ठीक है।
देन इसके बाद अपने करेक्टर पीएनजी को सेलेक्ट करके आपको इरेज आइकन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद ब्रश की हार्डनेस और साइज को हल्का सा कम करके इस तरीके से इसको इरेज कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी को इस तरफ में लाइट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और इसके बाद अपने फोटो के डुप्लीकेट बना के आपको दोनों साइड पर एड कर देना है और ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, ठीक है। ओके तो ब्रो यहाँ पर हमारा फाइनली हो गया है इतने तक एडिटिंग, एंड इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करके एक पीएनजी को ऐड कर देना है, एंड इस पीएनजी को इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देना है और ओपेसिटी को कम करके इसके डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है और एक, और इसको भी यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको एक लाइट पीएनजी को ऐड करना है, और ऐड करने से पहले इसकी ब्लेंड मोड को यहाँ से चेंज कर लेना है। और इसके बाद आपको टेक्स्ट आइकन पर क्लिक करके अपने YouTube चैनल के नेम को क्रिएट कर लेना है। एंड इसके बाद मैं यहां से कलर को चेंज कर लेता हूं, एंड इसके बाद आपको फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है। एंड फॉन्ट को आप लोग चाहे तो यहां से चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाला, तो मैं एक फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूं पिक्सट में, और मैंने फॉन्ट को पहले से ऐड करके रखा हुआ था ये सब। और हाँ, पिक्सट के प्रीमियर वर्जन पर ही आपको ऐड फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है यह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, एंड फॉन्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड इसके बाद मैं ऐड फोटो पर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम नेम को भी ऐड कर लेता हूँ, तो ये वाला मैंने पहले ही इसको क्रिएट करके रखा हुआ था, एंड आप लोग चाहे तो इसको बाद में क्रिएट कर लेना, एंड इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। एंड एडिटिंग करने के बाद आप लोग ऊपर से राइट क्लिक कर देना, एंड इसके बाद आपको एक लास्ट पीएनजी को ऐड करना है। इसके लिए आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके आपको उस पीएनजी को ऐड कर देना है, एंड इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद ऊपर से आपको डन कर देना है, ठीक है। तो फाइनली ब्रो यहां पर हमारा बैनर रेडी हो चुका है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है हमारा बैनर, एंड इसको आप अपने यूट्यूब चैनल पर ऐड कर देना है, एंड अपना यूट्यूब चैनल भी बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल देखने को मिलेगा। एंड एडिट करने के बाद अपने बैनर को यहाँ से फुल एचडी में सेव करना मत भूलना, नहीं तो आप लोगों को तो सबको डूब जाएगा। ओके तो ब्रो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर भी क्लिक कर देना, ताकि इस तरह के और भी एडिटिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, अगले किसी और एडिटिंग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।